Today, we are going to answer some problems based on probability which have been asked in Jamia admission entrance examination during past few years in common paper of BBA, BA Economics Honours and BCom Honours. तो आज हम probability based ऐसे सवाल देखेंगे जो जामिया मिलिया इस्लामिया के BA Economics Honours, BBA या BCom Honours के entrance exam में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं. तो especially ये video उन बच्चों के लिए हैं जो कि going forward इस entrance exam को देखने जा रहे हैं. चलिए शुरू करते हैं. पहली प्रॉब्लम जो है हमारी 2017 के एग्जाम पेपर से ली गई है और इसमें क्या कहता है ये. टू कार्ड्स आर ड्राउन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स. दो कार्ड्स निकाले गए हैं फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स. बोथ सॉरी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इधर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर ग्रीन. इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों कार्ड ब्लैक हों या दोनों ग्रीन हो. तो चलिए देखते हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B, दो इवेंट हो रही है हमारी, एक A और एक B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B से हम ये निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऐसे हम निकाल सकते हैं. तो पहली प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड ब्लैक, ब्लैक कार्ड जो कि दो निकालने जा रहे हैं हम 26 में से. तो जब पहला कार्ड निकालेंगे हमारे पास 26 कार्ड्स हैं आउट ऑफ 52. उसके बाद हम दूसरा कार्ड निकालेंगे और हमारे पास 25 कार्ड्स रह जाएंगे आउट ऑफ 51. तो ये हो गई इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी. उसके बाद इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी जबकि हम क्वीन निकाल रहे हैं. क्वीन हमारे पास कितनी होती है टोटल 4. तो पहली क्वीन जब हम निकालेंगे टोटल 4 क्वीन हमारे पास हैं और टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 हैं. लेकिन दूसरी क्वीन जब हम निकालेंगे तो टोटल 3 क्वीन हमारे पास बची होंगी और कुल मिलाकर के अभी हमारे पास 51 कार्ड्स हैं. अब हम आ जाते हैं यहाँ पे तीसरी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए. तो इसको हम कैसे निकालेंगे. टोटल हमें दो कार्ड्स निकालने आउट ऑफ 52. 2/52 हो जाएगा जब हमने जब हमारे पास दो कार्ड्स हैं. लेकिन एक कार्ड निकालने के बाद हमारे पास सिर्फ एक कार्ड बचेगा और आउट ऑफ 51 हमें वो निकालना है. तो इस ढंग से इसकी प्रोबेबिलिटी भी यानी कि इसकी वैल्यू भी निकल आएगी ए इंटरसेक्शन बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब इस सब को हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे देखिए हम 2 से अगर कट करते हैं ये बच जाएगा 13, ये बच जाएगा 26. ऐसे ही हमारी जगह लगा सकते हैं. 2 से कट करेंगे यहाँ पे 26 बच जाएगा, यहाँ पे भी 2 से कट करेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे भी 26 बच जाएगा. अब नीचे सब जगह एक जैसा आ गया है यानी कि न्यूमरेटर तो आपका अलग अलग है सब जगह लेकिन डिनोमिनेटर सब जगह एक जैसा है. इसका मतलब एलसीएम हमारा यही हो जाएगा 26 × 51. अब हम इसको देख लेते हैं ये 13 × 25 है. इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 325. अब यहाँ से हमें मिलेगा 3×2 = 6, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं और -1 × 1 दैट इज 1. तो ये है सब हमें मिल चुका है. अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 331 - 1 = 330 और नीचे हमें मिलेगा 26 × 51. नीचे अभी हम इसको फाइनल करके नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें अभी यहाँ कुछ काफ़ी कुछ काटना होगा. तो यहाँ अगर 2 से काटते हैं हम तो ये बचेगा हमारे पास 165. इसको 2 से कट करते हैं अब तो ये बचेगा 13. अब अगर हम इसे 3 से कट करते हैं तो यहाँ 55 आ जाएगा और यहाँ पे 17 आ जाएगा. अल्टीमेटली हमें जो मिला वो यहाँ पे 55 ऊपर और डिनोमिनेटर में मिला हमें 13 × 17 यानी कि 221. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिया गया है 2018 के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से और इसमें क्या कहता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर. नॉन लीप ईयर का मतलब ये हो गया कि आपके नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 365 होंगे. तो हम कह सकते हैं टोटल डेज जो है हमारे पास वो है 365. अब यहाँ पे हमें दिन का पता लगाना है तो कितने दिन हमारे पास बचेंगे या तो हम 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं. तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 52 होल हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे काम का होता है तो रिमाइंडर हमें मिला 1 यानी कि सिर्फ एक दिन हमें बचता है. अब वो दिन कौन सा हो सकता है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो दिन कौन सा है. तो चलिए देख लेते हैं. तो वो दिन मे बी मंडे हो जाए
मे बी ट्यूसडे हो जाए, मे बी वो वेडनेसडे हो, मे बी वो थर्सडे हो, मे बी वो फ्राइडे हो, या मे बी वो सैटरडे हो, और इवन वो संडे भी हो सकता है। तो इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी हमें पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, लेकिन दिन हमारे पास सिर्फ कितना है, एक। तो एक ही दिन संडे होगा इनमें से, ठीक है। और टोटल यहाँ पे डेज कितने हैं, 7। तो 1/7 इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई कि 53 संडेज उस ईयर में हों जो कि नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर मतलब 365 दिन उसमें हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है 1/7, और ये ऑप्शन बी में दिया है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल भी पिछले सवाल से मिलता जुलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन ए लीप ईयर। अब की बार लीप ईयर की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं, ये है हमारे पास लीप ईयर की बात है तो 366 दिन होंगे। अब अगर हम इसे 7 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 52 whole 2/7, यानी ये रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया, और रिमाइंडर ही हमें चाहिए होता है। अब हमें संडे की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो हम देखिए पॉसिबिलिटी क्या है इन दो दिनों के साथ। ये दोनों दिन मे बी मंडे और ट्यूसडे हों, मे बी ट्यूसडे और वेडनेसडे हों, मे बी वेडनेसडे और थर्सडे हों, मे बी थर्सडे और फ्राइडे हों, मे बी फ्राइडे और सैटरडे हों, और मे बी सैटरडे और संडे हों। कितने, 1 2 3 4 5 6, और मे बी संडे एंड मंडे, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि संडे हमें मिले, एक तो हमें संडे मिला है यहाँ पे सैटरडे और संडे के कॉम्बिनेशन में, और एक संडे हमें मिला है संडे और मंडे के कॉम्बिनेशन में। तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं आउट ऑफ 7 पॉसिबिलिटीज। यही पॉसिबिलिटी हमारी 53rd संडे के लिए होगी कि 53 संडे अगर हमारे पास हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 2/7, यही हमारा आंसर होगा। और ये आंसर हमारे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए, उम्मीद है आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे 3-4 सवाल जो हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि इसी से मिलते जुलते सवाल हमने पिछले कुछ सालों में जामिया एंट्रेंस में, स्पेशली इन प्रोग्राम्स के एंट्रेंस में देखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।